गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सर? तो आज हम चैप्टर 4 की वर्कशीट करेंगे, इंग्लिश वाले चैप्टर की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए, हमें इसके मीनिंग्स सामने लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है ये, स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मीनिंग क्या है, मैं यही लिख देती हूँ। स्क्रैम्बल मतलब स्ट्रगल, संघर्ष करना, ठीक है। अगला क्या है, वॉन्डरिंग ऑफ। वॉन्डरिंग ऑफ का मतलब क्या है, मूविंग हेयर एंड देयर का मतलब है कि यहाँ वहाँ मूव करना। अब क्या है आगे, जोस्टल। जोशनल मतलब पुश्ड, पुश्ड, ठीक है। अब क्या है आगे, क्लो। क्लो का मीनिंग क्या है, एनिमल्स नेल। जो भी एनिमल्स के जो नाखून होते हैं उसको हम क्लो बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इविल। इविल मतलब इविल का मतलब है बैड, ठीक है। अब क्या है, हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब है डाउट, ठीक है। हेजिटेशन का मतलब होता है कि हम कोई बात बोल रहे हैं और उसमें हमें हेजिटेट कर रहे, हिचकिचा रहे हैं हम, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या है आगे, अब हमें ये जो हमने ऊपर मीनिंग लिखे हुए इसके हमें चार सेंटेंस हमें नीचे फ्रेम करने हैं, बनाने हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले हम बनाते हैं वॉन्डरिंग ऑफ का बनाते हैं। तो उसका क्या होगा सेंटेंस, नीमा एंड गौरी लाइक्स टू वॉन्डरिंग ऑफ इन द फील्ड, फील्ड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो नीमा और गौरी है उनको फील्ड्स फील्ड्स में यहाँ वहाँ घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस बना के जोस्टल का, तो इसका लिखिए, आई वॉज जोस्टल इन द मार्केट टुडे। तो क्या बना है, आई वॉज जोस्टल इन द मार्केट टूडे, मतलब कि आज जब मैं मार्केट में गई थी तो वहां पे मुझे लोगों ने पुश कर दिया, शायद वहां पे भीड़ हो गई जिसकी वजह से मुझे पुश कर दिया किसी ने। अब आगे क्या है, आगे बनाते हैं हम क्लो से। तो लिखिए, टाइगर्स क्लो पेंडेंट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या है इसका मतलब, जो जो टाइगर का क्लो से हमने जो पेंडेंट बनाया था वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा वो सुंदर है, ठीक है। क्लो हमने ऊपर पढ़ा, क्या होता है क्लो, एनिमल का नेल। तो यहाँ पे हमने चैप्टर में टाइगर के बारे में पढ़ा था, टाइगर का नेल के बारे में पढ़ा था, उससे पेंडेंट बना था। तो टाइगर क्लो का यूज करते हुए, टाइगर का नेल यूज करते हुए एक पेंडेंट बनाया था, वो कैसा था, वो बहुत ब्यूटीफुल था। अब आगे क्या है,
आगे है ईविल, तो इसका बना के सेंटेंस, टाइगर्स क्लो कीप द ईविल स्पिरिट अवे, तो क्या बना, टाइगर्स क्लो कीप द ईविल स्पिरिट अवे। अब क्या है, जो भी टाइगर के जो नेल्स है वो क्या काम करते हैं, जो भी बुरी स्पिरिट होके, जो इविल स्पिरिट होके, उनको हमसे दूर रखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज नीमा एंड गौरी। नीमा और गौरी कौन है, बताओ। नीमा और गौरी दोनों काओ के नाम है, तो लिखते हैं इसका आंसर, नीमा एंड गौरी वर द नेम्स ऑफ काओ। नीमा और गौरी काओ का नाम है, जो गाय थी एक का नाम नीमा था, एक का नाम क्या था, गौरी। डिस्क्राइब द लुक्स ऑफ बोथ द काउस। अब हमें जो भी दोनों काओ की, कौन कौन, नीमा एंड गौरी, इसके लुक्स के बारे में हमें बताना है कि वो दिखने में कैसे थी। वो तो नीमा कैसे थी, नीमा इज लुक लाइक अ ब्लू ग्रे लुक लाइक अ ब्लू ग्रे काओ एंड गोरी इज वाइट इन कलर। तो क्या ये, नीमा इज लुक लाइक अ ब्लू ग्रे काओ एंड गोरी इज वाइट इन कलर, तो समझ में आ गया। जो नीमा है कैसे दिख रही थी, वो ब्लू ग्रे काओ है, वो उसका कलर कैसा है, ब्लू ग्रे जैसा, और जो गौरी है उसका कलर कैसा है, व्हाइट कलर का। ठीक है, हु वर पिकनिकर्स फ्रॉम वेयर डिड दे कम। अब पिकनिकर्स किसको बोला जाता है और वो लोग कहां से आए थे, तो इसका आंसर लिखिए, पिकनिकर्स आर दोस are those who go to a place to have picnic and enjoy. A picnickers कौन है, picnickers वो है जो जो एक जगह पर जाते हैं, क्यों जाते हैं, इंजॉय करने के लिए, पिकनिक पर जाते हैं। ठीक है, और वो कहां से आए थे, दे वर द हॉलीडेज मेकर्स फ्रॉम द प्लेन्स। ठीक है, ये इसका यहाँ पे ऊपर आ नहीं रहा था तो मैंने नीचे लिख दिया, तो आप ध्यान से इसको लिखना, क्या आंसर है इसका, पिकनिकर्स वर दोस हु गो टू अ प्लेस टू हैव अ पिकनिक एंड एंजॉय।
अब पिकनिकर्स कौन है? वो लोग जो एक जगह पर जाके एंजॉय करने के लिए पिकनिक मनाने जाते हैं, वो कहाँ से हैं? डे वर्कहोलीडेज मेकर फ्रॉम का प्लेन, वो हॉलीडेज मेकर्स हैं जो प्लेन से आए हैं, प्लेन से आए हैं। तो ये ऊपर इतना, यहाँ से ये पूरा ऊपर वाले का आंसर है। तो अगला आंसर लिखिए आप। वर्क डेट द यंग वुमेन एंड भारती एक्सचेंज, जो यंग वुमेन और भारतीय दोनों ने क्या आपस में एक्सचेंज किया? तो इसका लिखिए यंग वुमेन गेव ब्लू अम्ब्रेला टू भारती एंड इन एक्सचेंज भारती गेव हर टाइगर्स क्लो पेंडेंट। तो क्या लिखा है? यंग वुमेन गेव ब्लू अम्ब्रेला टू भारती एंड इन एक्सचेंज भारती गेव हर टाइगर्स क्लो पेंडेंट। ठीक है, तो ये आंसर लिख लिया आप सबने। तो यंग वुमेन ने ब्लू अम्ब्रेला दिया भारती को, और एक्सचेंज में भारती ने उसको क्या दिया? पेंडेंट दिया। किस चीज से बना हुआ था? टाइगर के नेल से बना हुआ था वो। उन दोनों ने आपस में ये एक्सचेंज किया। अब क्या है? एड सफिक्स एंड प्रीफिक्स टू ईच वर्ड टू गेट टू डिफरेंट वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब हमें यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स को हमें ऐड करना है जिससे एक मीनिंग निकले उनका। तो बीच में कुछ वर्ड्स लिखे हुए जैसे प्लेस, टेस्ट, हेल्थ, हेल्थ, हेल्प, वुड, जॉय, होम, ये सब वर्ड लिखे हुए हमें में सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करना है। सफिक्स क्या है? जो पीछे लगता है, और प्रीफिक्स क्या है? जो आगे लगता है। ठीक है, तो प्लेस के आगे क्या लग जाएगा? अन, अन प्लेस, और पीछे लग जाएगा मेंट। ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए। अन प्लेस्ड या लास्ट में आ जाएगा डी। ठीक है, प्लेस के आगे हमने यूएन अन लगाया और लास्ट में डी लगाया, जिसका मतलब क्या है? बिखरा हुआ, जो अपनी जगह पर ना हो। अब क्या आगे टेस्ट का करते हैं, आगे लग जाएगा फिर प्रीफिक्स दिस, और पीछे लग जाएगा फुल। ठीक है, समझ में आया इसका मतलब? दिस टेस्ट फुल, इसका मतलब होता है बेस्वाद, मतलब टेस्ट लेस, जिसका कोई टेस्ट ना हो। अब आगे क्या है? यहाँ पे हेल्थ बना हुआ है, तो आगे लग जाएगा यूएन, तो ये बन गया अनहेल्थ, और यहाँ पे सफिक्स लग जाएगा वाई, तो क्या बन गया? अनहेल्दी। मतलब ऐसा फूड जो हमारे से हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? अगला है हेल्थ, यहाँ पे आ जाएगा यूएन अन, यहाँ पे आ जाएगा अनहेल्दीनेस। ठीक है, इसका भी सेम मीनिंग है, अनहेल्दीनेस मतलब कि जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? हेल्प, हेल्प के आगे लग जाएगा प्रीफिक्स, लग जाएगा अन, और लास्ट में लग जाएगा फुल, तो इसका मतलब क्या हुआ? अनहेल्पफुल, अनहेल्पफुल मतलब बेकार, नॉट हेल्पफुल। ठीक है, जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, जिसके आगे भी अन लग जाता है तो हमारे लिए नेगेटिव में आ जाता है सेंटेंस। अब क्या है? वुड, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर, और आगे आ जाएगा एस, अंडर वुड हो गया मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके जो नीचे छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, ये श्रब उग जाती है, उनको हम अंदर वुड के नाम से जानते हैं। ठीक है,
यू एंड डी आर अंडर, वो लगा हुआ है लास्ट में, हमने एस लगा दिया। तो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, श्रब होती हैं, उनको बोला जाता है। अभी क्या है, जोए, तो यहाँ पे आगे लग जाएगा ई एन, लास्ट में लग जाएगा एम ई एन टी, एन एंजॉयमेंट। ठीक है, एंजॉयमेंट का मतलब हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, होम, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वी ई आर, तो क्या मीनिंग हो गया, होम एवर। होम एवर मतलब जिसे, ठीक है, जिसका मतलब होता है होम एवर मतलब जिसे। अब आगे बढ़ते हैं, अनन्या रोट अ लेटर टू हिज फादर टू डिस्क्राइब हर जू पिकनिक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट हर लेटर। अब क्या, अनन्या ने अपने फादर को एक लेटर लिखा है जिसमें उसने बताया है कि वो जू पिकनिक गई थी घूमने के लिए अपने स्कूल की तरफ से, और ये जो जब ये घूमने गए कि ये गई थी कल, तो हमें इस पूरे लेटर को पास्ट टेंस में लिखना है। डियर फादर, हाउ आर यू, आई एम वेल हेयर, यस्टरडे आवर स्कूल, तो यहाँ पे टेक लिखा हुआ है, टेक का पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, टुक। यस्टरडे आवर स्कूल टुक अस टू द जू, तो क्या बोला गया है कि डियर फादर हाउ आर यू, आई एम वेल हेयर, तो अनन्या अपने पापा को बोल रही है कि डियर फादर आप कैसे हो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, यस्टरडे मतलब कल आवर स्कूल टुक अस टू द जू, तो कल जो हम मेरा स्कूल है वो हमें एक जू पे लेकर गए थे। वी गो का क्या बन जाएगा, वेंट, वी वेंट बाय द स्कूल बस, और हम कैसे गए थे, स्कूल बस में गए थे हम। वी ब्रैकेट में कैरी लगा हुआ है तो उसको हमें पास्ट टेंस में करना है, तो ये बन जाएगा कैरिड। वी कैरिड वाटर एंड लंच, और अपने साथ पानी पानी और लंच लेकर गए थे। एट द जू वी सो मैनी एनिमल्स एंड बर्ड, वो हमने जू में बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे बर्ड्स हमने देखे। दे वर ऑल कीप का क्या हो जाएगा, कैप्ट, दे वर ऑल कैप्ट इन केजेस, और जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स के सब किस में के, केज में, पिंजरे में थे वो। आए लाइक्ड द चिंपांजी मोस्ट, और मुझे सबसे ज्यादा पसंद कौन आया, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा एनिमल लगा, चिंपैंजी। वी स्क्रीम्ड स्क्रीम्ड इन फ्राइट व्हेन द लायन रोस्ट, तो वो क्या बता रही है अपने फादर को कि जब लोयन ने दहाड़ा तो हम सारे स्क्रीम्ड हो गए, मतलब हम सब चिल्लाने लग गए। आवर टीचर टोल्ड, टेल का क्या हो गया, टोल्ड अस नॉट टू टीज एनिमल, और जो हमारे जो कि हमारे साथ जो टीचर गए कि उन्होंने हमें बोला कि हमें एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट देम, और हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वी एंजॉयड आलोक, वो हमने बहुत सारा एंजॉय किया। नेक्स्ट टाइम वी विल गो टूगेदर टू द जू, माई लाइफ माई लव टू यू, अब अगली बार हम दोनों, मतलब हम दोनों कौन, फादर और अनन्या, जो अनन्या के फादर है वो और अनन्या दोनों मिलकर जू जाएंगे, माई लव टू यू, और मेरा बहुत सारा प्यार आपके लिए। अब नीचे अनन्या का नाम आ गया। ठीक है, ये आपको पूरा काम करना है बुक में, जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए गए, वीडियो को पॉज कर सारे क्वेश्चन आंसर आपको बुक में करने हैं। ठीक है, कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा, बाहर जाओ तो मास्क लगाकर जाना। तो थैंक यू।